Hey everyone, welcome back. You know how much we love diving deep into the juicy stuff, right? And today, oh boy, today we're tackling a question that's been making the rounds. Ooh, lay it on me. All right, so we're talking YouTube. Specifically, can you actually make more money as a YouTuber in India than like a regular old corporate job? Interesting. Yeah. We found this snippet of a conversation, some folks chatting about YouTube income, and they seem to know their stuff, especially when it comes to those mega channels with tons of subscribers. I'm all for insider insights. What did they have to say? Well, they talked about everything from, subscribers and views, of course, to keeping things consistent. They even compared it to running a coffee shop at one point. Okay, I'm seeing a theme here, lots to unpack. And I think what's really fascinating is this focus on the Indian market. Right, it's not just about YouTube in general. It's about making it in India specifically. Exactly. We hear all these stories about YouTubers going global, but this really zeroes in on the unique challenges and opportunities within India. Totally. Mm-hmm. And these folks in the conversation, they were throwing around terms like views and subscribers like it was nothing. Well, it is their bread and butter, right? If they're in the YouTube world, those are the metrics that matter. Yeah, for sure. But one thing that really stood out, I mean, it kind of made me raise an eyebrow. Hit me. Okay. आप भी इस तरीके की रियलिस्टिक एआई पॉडकास्ट वीडियो बना सकते हो। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये मैंने एआई से बनाई है और आप भी इस तरीके की रियलिस्टिक एआई पॉडकास्ट वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर सकते हो और लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो महीने की। बस आपको सीखना है कि किस तरीके से ये AI पॉडकास्ट वीडियो बनानी है और ये जो AI पॉडकास्ट की वीडियो है ये USA में बहुत ही ज़्यादा चलेंगी क्योंकि ये जो AI पॉडकास्ट की वीडियो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनाई गई है। सो आप भी इस तरीके की AI से पॉडकास्ट की वीडियो बना सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हो। कैसे आप AI पॉडकास्ट वीडियो बनाओगे स्टेप बाय स्टेप में आपको सिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अच्छे से सीखना है। अगर आपने वीडियो को अधूरा देखा, पूरा नहीं देखा, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये AI पॉडकास्ट की वीडियो कैसे बनाई है, बिल्कुल रियलिस्टिक। सो आप भी इस तरीके से AI की मदद से सब कुछ AI करेगा। आपको ना तो अपनी खुद की आवाज़ देने की ज़रूरत है, ना ही आपको अपना खुद का फेस दिखाने की ज़रूरत है। ये सब AI करने वाला है, बिल्कुल रियलिस्टिक AI वीडियो है और ये जो वीडियो है वो मोनेटाइज भी होएगी 100% और मैं आपको इसका प्रूफ भी देने वाली हूँ वीडियो में। सो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और अच्छे से सीखना है और समझना है। सो चलिए सीखते हैं कैसे AI पॉडकास्ट वीडियो बनाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। So let's start the video. सो ये AI पॉडकास्ट वाली वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड की और आप डेट भी देख सकते हो 28 अक्टूबर 2024 को मैंने अपलोड की है और इस वीडियो का मोनेटाइजेशन भी ऑन है और यहाँ पर हम YouTube पर इसे प्ले करके भी देख लेते हैं कि यही वाली वीडियो है या कोई और सी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो यही वाली वीडियो है जो कि बिल्कुल AI से बनाई गई है। ना तो अपनी खुद की आवाज़ है, ना ही अपना खुद का चेहरा है, जब भी ये मोनेटाइज है। सो इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आ जाना है आपको गूगल लैब्स AI वेबसाइट पर। सो इस वेबसाइट पर जब आप आओगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। सो आपको यहाँ पर ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी ये गूगल लैब्स मिल जाएगी। सो यहाँ पर आपको ये वाला आपको इस तरीके की AI पॉडकास्ट वीडियो बनाने के लिए इस वाले पर क्लिक करना है, नोटबुक के LM। सो आपको ट्राई इट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है, देन आपको यहाँ पर ओके कर देना है। सो यहाँ पर मैंने इसे ओके कर दिया है। देन आप यहाँ पर देखोगे क्रिएट योर फर्स्ट नोटबुक। सो आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। सो आपको यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना है क्रिएट पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएगा अपलोड सोर्स। यहाँ पर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ, टेक्स्ट, मार्कडाउन, ऑडियो। और यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट्स एंड गूगल स्लाइड्स एंड वेबसाइट, यूट्यूब, कॉपी टेक्स्ट, पेस्ट टेक्स्ट। तो यहाँ से आप यूट्यूब से लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। वेबसाइट के अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, सो अगर आपके पास वेबसाइट की स्क्रिप्ट है, बहुत सारी गूगल पर वेबसाइट्स होती है, सो आपको वहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आपको, जैसे मैं टेक्स्ट से यहाँ पर पेस्ट करना चाहती हूँ, पेस्ट कॉपी टेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। ऑलरेडी मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, ये मेरे पास हिंदी लैंग्वेज में मैंने स्क्रिप्ट ली है। सो यहाँ पर ये मैंने यूट्यूब से ली है। सो यहाँ पर मैंने ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है। देन यहाँ पर इंसर्ट्स पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको इसकी स्क्रिप्ट की जो है समरी यहाँ पर मिल जाएगी, यानी जो इसकी समरी रहेगी वो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगी। सो ये जो वेबसाइट है इंग्लिश लैंग्वेज में ही वर्क करती है। सो अगर आप और भी यहाँ पर समरी ऐड करना चाहते हो, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करोगे और अगेन से यहाँ पर आप समरी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर मिलेगा। सो ये मेरा ऑलरेडी डैशबोर्ड साइट में ओपन है। सो यहाँ पर आपको जनरेट का ऑप्शंस मिलेगा। अगर आप इसका मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, सो आपको यहाँ पर इसे पोर्ट्रेट साइट में अपने फ़ोन को रख लेना है। देन आपको यहाँ पर इसे आपको जनरेट करने के बाद आपकी ऑडियो जनरेट हो जाएगी। ऑडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। देन आपको कैपकट एप्लीकेशन में आना है। यहाँ से आपको एक ब्लैंक सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने कोई सी भी इमेज सिलेक्ट कर ली है। देन यहाँ से आपको ऑडियो यहाँ पर ऐड करनी है जो आपने अभी अभी गूगल लैब्स से जनरेट की है। सो यहाँ से एआई पॉडकास्ट की जो ऑडियो है, सिर्फ हमारे पास ऑडियो आई है। सो हम सबसे पहले उसी को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम कैपकट एप्लीकेशन में ये ऑडियो है, इसे मैं ऐड कर लेती हूँ। अब आपको ऑडियो को जो है प्ले करके सुनना है। सो यहाँ पर ये जो इमेज है इस तरीके से मैंने इसे हाइड कर दिया है क्रॉप करके, और ये ब्लैंक यहाँ पर आ रहा है। अब आपको यहाँ पर ऑडियो सुनते जाना है और जहाँ जहाँ पर मेल और फीमेल की वॉइस है, यानी आधा में आपको मेल की वॉइस नज़र आएगी और आधी वीडियो में यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों बीच बीच में ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो जहाँ पर फीमेल की वॉइस आ रही है आपको वहाँ पर इसे स्प्लिट कर लेना है वॉइस को। तो यहाँ पर इतनी जो है ये फीमेल की वॉइस है, तो इसको भी मैं स्प्लिट कर लेती हूँ। यानी आपको फीमेल की वॉइस अलग करनी है और मेल की वॉइस अलग करनी है। आपको प्ले करके इसे सुनना है और इसके बाद आपको मेल और फीमेल की वॉइस को यहाँ पर स्प्लिट करके अलग करना है। सो यहाँ पर जैसे ये फीमेल की वॉइस है, सो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी, दैन स्प्लिट पर क्लिक करेंगे और जहाँ तक हमारी फीमेल की वॉइस है उसी वाले पार्ट को मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे स्प्लिट कर लूँगी। यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे स्प्लिट कर लेती हूँ और ये फीमेल की वॉइस इस तरीके से मैं नीचे की ओर इस तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ। सो आपको इस तरीके से मेल और फीमेल की वॉइस को अलग कर लेना है। और सबसे पहले आपको मेल या फीमेल की वॉइस को बिल्कुल वॉल्यूम को कम कर देना है, यानी एक करैक्टर की वॉल्यूम को आपको कम करना है और एक करैक्टर की वॉल्यूम को आपको फुल रहने देना है। यानी एक करैक्टर की वॉल्यूम जो है साइलेंट रहेगी, उसके बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो नेक्स्ट आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। उसी वाले प्रोजेक्ट पर आएंगे और जिस करैक्टर की हमने मेल या फीमेल की वॉइस अभी बंद की थी उस वाली वॉइस को हम अब ऑन कर देंगे और जो ऑडियो हमने ऐड की थी यानी जो हमने एक्सपोर्ट कर ली है उस वाली ऑडियो को हम यहाँ पर जीरो कर देंगे। यानी वॉल्यूम हम जो है बिल्कुल इस तरीके से घटा देंगे या आप वॉल्यूम को डिलीट भी कर सकते हो। सो यहाँ पर हम इस तरीके से वॉल्यूम को यहाँ पर जो है ज़ीरो कर लेते हैं और जिस करैक्टर की वॉल्यूम अभी हमने ऐड की थी वो उसे हम यहाँ पर फुल कर लेते हैं। यानी आपको मेल की वॉइस बिल्कुल अलग चाहिए और फीमेल की वॉइस अलग चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब ये जो हमारी वीडियो के फॉर्म में है तो इसे हम MP3 में कन्वर्ट करेंगे। सो इसके लिए आपको वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर ऑनलाइन वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। फ्रॉम डिवाइस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मीडिया पिकर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने कैपकट से जनरेट की है। देन आपको यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक करना है और आपकी जो वीडियो है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से आपको मेल की वॉइस और फीमेल की वॉइस को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर लेना है। सो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया है और इसे मैंने डाउनलोड भी कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑडियो है जो कि हमारी डाउनलोड हो चुकी है। सो इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर। सबसे पहले मैं दोनों की वॉइस जो है यहाँ पर कन्वर्ट कर लेती हूँ ऑडियो में। सो यहाँ पर हमारी ऑडियो आ चुकी है। इसके बाद आपको आ जाना है हेज़न एआई वेबसाइट पर। जी हाँ, इस हेज़न एआई वेबसाइट पर आपको आ जाना है और इस वेबसाइट पर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक एआई अवतार्स मिल जाते हैं बहुत सारे, और एक ही करैक्टर के अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको जो है करैक्टर भी मिल जाते हैं, यानी एआई अवतार मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है। देन आपको इसे साइन अप कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर एआई अवतार्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एआई अवतार्स है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक एआई अवतार है और इनकी जो पोजीशन है ये भी चेंज होकर मिल जाती है। एक ही करैक्टर की आप पोजीशन भी चेंज यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल्स में यहाँ पर एक ही करैक्टर जो है मिल जाता है हेज़न एआई वेबसाइट में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल रियलिस्टिक एआई अवतार्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सो यहाँ पर हमें जो है एक अच्छा सा रियलिस्टिक एआई अवतार ढूंढना है। यहाँ पर आपको प्ले करके देख लेना है। आपको जो भी एआई अवतार से एआई पॉडकास्ट वीडियो बनानी है आपको यहाँ पर देखना है। सो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कौन सा एआई अवतार मेरे वीडियो के लिए अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर इस तरीके से ये अलग अलग पोजीशन में आपको यहाँ पर एआई अवतार मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एआई पॉडकास्ट, कैमरे के सामने फेस और साइड फेस, सारे यहाँ पर आपको एआई अवतार्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर मैं कोई एक एआई अवतार ढूंढ लेती हूँ जिससे मैं एआई पॉडकास्ट वीडियो बनाऊँगी। सो यहाँ पर मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल करती हूँ। कई सारे एआई पॉडकास्ट के लिए आपको यहाँ पर एआई अवतार मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे एआई अवतार्स है। सो जैसे ये वाला एआई अवतार्स है, इस वाले एआई अवतार से मैं अपनी एआई पॉडकास्ट वीडियो बनाऊंगी। तो इसके लिए क्रिएट विथ एआई पर हम क्लिक करेंगे। साइज़ मैंने लैंडस्केप सेलेक्ट किया है। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वीडियो है यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ये जो है वेलकम टू द हेज़न यहाँ पर ये लिखा हुआ है। देन यहाँ पर कॉर्नर में आपको यहाँ पर दिख जाएगा अपलोड। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ पर मैं पहले फ़ीमेल की वॉइस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये जो स्टार्टिंग पार्ट है मैं कट कर देती हूँ। बस आपकी ऑडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको वीडियो को यहाँ पर सबमिट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऊपर। देन यहाँ पर टाइटल डाल सकते हो यहाँ पर अपनी वीडियो का। देन आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट एनीवे पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं सबमिट एनीवे पर क्लिक करूँगी और हमारी जो ये वीडियो है ये जनरेट हो जाएगी। सो आपको यहाँ पर वेट करना है 1-2 सेकंड का। देन आप यहाँ पर देखोगे आपकी वीडियो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी और रियलिस्टिक वीडियो यहाँ पर हमारी जनरेट होकर मिली है और 1 मिनट 20 सेकंड की वीडियो यहाँ पर जनरेट हुई है। सो यहाँ पर मैं इस वीडियो को कर लेती हूँ डाउनलोड और सेकंड वीडियो भी मैं जनरेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मेल जो हमारा करैक्टर है एआई पॉडकास्ट का, यहाँ पर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और इस तरीके से हम वीडियो को ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर ये वीडियो 1 मिनट 23 सेकंड की जनरेट हुई है। तो मैंने इसे भी डाउनलोड कर लिया है। वीडियो के नीचे ही आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शंस मिल जाता है। आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। सो इसके बाद आपकी एआई पॉडकास्ट वीडियो बन जाएगी। बस आप यहाँ पर कुछ एडिटिंग करनी है। सो कैपकट में हम सबसे पहले वीपन ऑन कर लेंगे। देन हम न्यू प्रोजेक्ट पर आएंगे और यहाँ से हम सबसे पहले ये वाली वीडियो सिलेक्ट करेंगे जो मेल की है। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर ली है जो हमने अभी अभी हेजन एआई वेबसाइट से जनरेट की है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो आ चुकी है। अब हम इस वीडियो को कर लेंगे क्रॉप। यहाँ पर आप वीडियो क्लिप पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन रीसाइज पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम इसे जो है एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर इस तरीके से हम जो है क्रॉप कर देंगे। देन हम यहाँ पर साइड में इसे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे साइड में एडजस्ट कर दिया है। देन आपको ओवरली पर क्लिक करना है, ऐड ओवरली पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी सेकंड वीडियो ऐड कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये वाली सेकंड वीडियो भी ऐड कर ली है और इसे भी हम क्रॉप कर लेंगे। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, रीसाइज पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम क्रॉप कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर, जिससे कि हमारी वीडियो जो है एडजस्ट हो जाए। सो यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ स्क्रीन पर। आपको इस तरीके से इसे वीडियो को एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने वीडियो को एडजस्ट कर लिया है। इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी। अगेन से यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक। यहाँ पर मैं गूगल ब्राउज़र पर टाइप करूँगी पॉडकास्ट माइक। सो जैसे ही यहाँ पर मैं सर्च करूँगी यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉडकास्ट के माइक यहाँ पर मिल जाएंगे। सो आपको यहाँ से कोई भी एक माइक जो बैकग्राउंड रिमूवर हो उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये वाला माइक की इमेज जो है मैंने डाउनलोड कर ली है। इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से किसी एआई पॉडकास्ट माइक की इमेज डाउनलोड कर लेनी है और फिर से आ जाना है आपको कैपकट एप्लीकेशन पर। सो यहाँ पर मैं अगेन से कैपकट एप्लीकेशन पर आ जाती हूँ, वही वाला प्रोजेक्ट मैं ओपन करती हूँ। सो यहाँ पर मैं वही वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट ओपन करूँगी, देन यहाँ पर हम ओवरली पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अगेन से ओवरली पर क्लिक करना है, ऐड ओवरली पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने अभी डाउनलोड की है माइक की इमेज। सो ये माइक वाली इमेज है, इसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ और इसे मैं इस तरीके से छोटा बड़ा कर लूँगी, उंगलियों से पिंच कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर इस तरीके से हम इसे स्क्रीन पर एडजस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं और इसे हम डुप्लिकेट भी कर लेंगे। सो यहाँ पर हम डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर हम इसे जो है इस वाले बंदे पर भी ये वाला माइक यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पर इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्रॉप जैसा हमने क्रॉप किया था उसी पर यहाँ पर मिरर ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। सो ये जो आपका माइक है ये फ्लिप हो जाएगा, यानी इसका रुख जो है इस तरफ हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा रुख जो है माइक का इस तरफ हो चुका है और आपको माइक को एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर स्क्रीन पर। इसके बाद आप यहाँ पर अपने चैनल का लोगो ऐड कर सकते हो यहाँ पर, और भी आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े। देन आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो यहाँ पर हम वीडियो की क्वालिटी जो है 2K रखेंगे, देन हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो इस तरीके से आप AI पॉडकास्ट वीडियो बना सकते हो बिल्कुल फ्री में AI की मदद से। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें AI पॉडकास्ट वीडियो बनानी है। अगर आप वीडियो यहाँ तक वॉच कर रहे हो सो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही AI से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं और आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस लाते रहते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।